गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में, जिसको यूज़ करते ही आप प्रो की तरह यूज़ कर सकते हो अपने व्हाट्सएप को। ठीक है, तो कौन सी वो टिप्स है, तो इसके लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अगर पसंद आए तो डिसलाइक वाला बटन दिया हुआ है और नीचे गाली देने के लिए कमेंट बॉक्स भी छोड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप गाली भी दे सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है भाई, वहाँ पर कर दो सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल वाला आइकन भी आएगा उसको भी दबाना मत भूलना। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा जो अगली वीडियो आएगा ऐसी, तो वो तुरंत आपको नोटिफाई कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो लोग व्हाट्सएप को यूज़ तो करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनको वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, और जानता भी नहीं इस फीचर के बारे में। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, और आपको भी अगर नहीं पता तो आप पहले से एकदम अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो पहला जो फीचर मैं बताऊँगा वो है टू स्टेप वेरीफिकेशन। तो देखिए टू स्टेप वेरीफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमको अगर लगता है कि यार मेरे अकाउंट जो है व्हाट्सएप अकाउंट जो वो हैक हो सकता है, या फिर कोई दूसरे अकाउंट कोई दूसरी डिवाइस पे जो व्हाट्सएप ऐप की मदद से चला रहा है कोई, तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्या, टू स्टेप वेरीफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद एक पासवर्ड देने के बाद ही आपका अकाउंट जो ओपन होगा। ठीक है, जो आपको ही पता होगा। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली थ्री डॉट लाइन पे, यहाँ पर सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद जाना है आपके अकाउंट पे, अकाउंट पे जाने के बाद जाना है टू स्टेप वेरीफिकेशन पे। ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल करने का एक ऑप्शन, तो इनेबल इसे कर लीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए 6 डिजिट का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर हम 6 डिजिट दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हुए फिर से 6 डिजिट देना है, इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल देना है। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर एक ईमेल ज़रूर दे, क्योंकि बैकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हुए आप अगर इस पिन को इनेबल करते हैं, तो कहीं पर भी आपका जो अकाउंट है ओपन होते ही आपका जो पिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके मतलब यही हुआ कि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो चुका है। और दूसरा जो यहाँ पर हम बात करेंगे फीचर की, वो है ऑटो डाउनलोड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप जब भी कोई ग्रुप पे ज्वाइन होते हो, या फिर कोई दोस्त आपको रैंडमली कोई वीडियो या फोटो भेजता है, तो आप नहीं चाहते कि उन वीडियो और फोटो ऑटो डाउनलोड हो जाए, क्योंकि बहुत सारा डेटा इन पे कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। तो इसे बंद करने के लिए आपको सिंपली थ्री डॉट लाइन पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर जाइए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद डेटा स्टोरेज एंड यूजेस पे जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 ऑप्शन, डेटा यूजिंग मोबाइल डाटा, और आप यूजिंग करते हो जब मोबाइल डाटा, उसके उस वक्त क्या होता है, सिर्फ फोटो वीडियो ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होते हैं। तो यहाँ पर आपको जब टिक होगा ना, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि फोटो सिर्फ फोटो ही डाउनलोड हो, जो मेरे ये जो डेटा है उसके ऊपर सिर्फ फोटो ही डाउनलोड होती, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फोटो ही कर देता हूँ। ठीक है, अगर वाईफाई पे हो तो मैं सभी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वाईफाई का कोई लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, और जब रोमिंग में होते हो तो आपका बहुत सारा डेटा चार्ज होता है। ठीक है, डबल, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर सभी जो टिक बॉक्स है वहाँ पर खाली छोड़ दीजिए, और इस तरह आप अपना व्हाट्सएप का बहुत सारा डेटा भी बचा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट्सएप का तीसरा जो फीचर है वो है व्हाट्सएप का प्राइवेसी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा एक चीज़ है वो जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, आप पूरा देख लीजिए इस फीचर में है क्या, कि देखिए आपका जो भी यहाँ पर आप जाइए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप अकाउंट्स पे आएंगे, तो उसके बाद प्राइवेसी पे जाए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लास्ट सीन आप क्या कर सकते हो, एवरीवन फॉर एवरीवन। ठीक है, आप कब व्हाट्सएप पे आए थे उसके जो डिटेल्स है वहाँ पर, टाइम का जो डेट का वहाँ पर दिखाई देगा, किनको दिखाई देगा, एवरी वन फॉर एवरी वन, आपका कॉन्टैक्ट में जो भी है, और नो बडी, आप यहाँ पर कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका पसंद ना पसंद, आपका प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो कौन देख सकता है, मैंने यहाँ पर एवरी वन करके रखा है, आप भी चेंज कर सकते हो ये। ठीक है, अबाउट, आपका जो अबाउट है मैंने यहाँ पर भी इसे एवरी वन करके रखा है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, और चौथा जो है वो स्टेटस, स्टेटस इसे भी एवरी वन नहीं होता, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो है माई कॉन्टैक्ट्स पे। ठीक है, तो माई कॉन्टैक्ट्स पे यहाँ पर जितने भी आपका कॉन्टैक्ट्स है वो सभी आपका जो देख पाएगा। ठीक है, आपका जो स्टेटस है, आप अगर चाहते हो कि या भाई मुझे इस बंदे को नहीं दिखाना है, तो इसके लिए आपको जाना है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, कोई भी जिनको आप नहीं दिखाना चाहते उसको ही टिक कर दीजिए, और नीचे टिक वाला बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और आप अगर चाहते हो सिर्फ इसी लोगों को दिखाना है, ठीक है, आपके पास
100 कॉन्टैक्ट्स है, आप अगर चाहते हो 20 को दिखाना है तो क्या करोगे? इसके लिए थर्ड ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, ओनली शेयर विद। तो उसी 20 आदमी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट लाइन पे यहाँ पर सॉरी जो टिक वाला बटन है वहाँ पर करना है प्रेस, ठीक है? तो इसके बाद ही आपका जो यहाँ पर सिंपली प्राइवेसी सेट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों व्हाट्सएप की जो चौथा फीचर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कूल सा फीचर है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए रीड रिसिप्ट बोल के एक ऑप्शन आता है, उसको अगर इनेबल करते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप सभी देखे होंगे कि आप जब किसी को कुछ भी भेजते हो, ठीक है, अगर दूसरे बंदा अगर उसे देखता है तो आपके फ़ोन में एक ब्लू टिक आ जाता है, दो ब्लू टिक आ जाता है, ठीक है ना? तो दोस्तों इसका यही काम है कि रीड रिसिप्ट आप ऑफ करते हो तो वो बंदा देख लेगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि बंदा देखा है। और इसी तरह आप अगर कोई बंदा आपको SMS कर रहा है, ठीक है, और आप देख भी लेते हो लेकिन वो बंदा को पता नहीं चलेगा कि भाई हमने उसका SMS जो है देखा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो ब्लू टिक जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि वो समझेगा कि मैंने वो देखा ही नहीं लेकिन मैंने एक्चुअल में देख लिया। तो इसके लिए आपको जाना है सिंपली थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करना है, जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स पे, अकाउंट्स पे जाने के बाद आपको फिर से जाना है प्राइवेसी पे, प्राइवेसी पे जाने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो रीड रिसिप्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपली से ऑफ कर देना। मेरा अभी इंटरनेट यहाँ पर नहीं है तो बस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको रीड रिसिप्ट, इसे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद अब किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने उसका SMS जो देखा है, ठीक है। और आप अगर इसे ऑन करेंगे तो सभी के लिए आप देख सकते हो कि भाई जैसे होता है नॉर्मली, ठीक है, ब्लू टिक आ जाता है, ठीक है, तो वैसे ही है। तो दोस्तों व्हाट्सएप का जो फिफ्थ फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी समझ जाएंगे कुछ देर बाद कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों अभी हमारे साथ ऐसे कुछ भी हो, हर वक्त होता है कि देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन जो लैग कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मेट कर देते हैं इसे, ठीक है, इरेज कर देते हैं फ़ोन को, ठीक है, हार्ड रिसेट कर देते हैं, मतलब कुछ भी करके हार्ड रिसेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे फ़ोन में कोई डेटा नहीं रहता, या फिर आपका फ़ोन आप कहीं पॉकेट में लेके जा रहे हो और चोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पर जो भी कॉन्वर्सेशन है आपका बहुत, जो अभी आप भी जानते होंगे आपका कॉन्वर्सेशन जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इसे बचाने के लिए एक तरीका है, यहाँ पर व्हाट्सएप ने दिया है एक फीचर, ठीक है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आओ चैट पे, चैट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए चैट बैकअप, आपको बैकअप करना ही है क्योंकि भाई देखो कभी भी आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप चैट के एक बैकअप ले रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं क्लिक और चैट बैकअप पे आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि बैक टू द गूगल ड्राइव, ठीक है, तो नेवर करके रखी हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा एक दूसरा अकाउंट है। और यहाँ पर अकाउंट नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कर दीजिए बैकअप पे प्रेस। तो ये आपका जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो एक एनक्रिप्टेड फाइल में एक बैकअप हो जाएगा और आप किसी भी टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है कि आपका फ़ोन खो भी गया है तो कोई बात नहीं, आपका कॉन्वर्सेशन जो है वो वापस आ जाएगा।